फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन आइडिया सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज़ ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रॉब्लम्स को मैं बताऊँगी ब्लाउज़ से रिलेटेड जो भी, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसको इस तरीके से ओपन करके रख लिया है ब्लाउज़ को, और यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से ओपन करके रख लिया है। इधर मेरी तरफ फोल्डेड साइड है, उधर ओपन साइड है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, अगर नीचे से अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो आपको लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से, जो कर ली है। और अब हमें ब्लाउज़ की लेनी है लेंथ। तो इसकी हम लेंथ लेंगे, तो देखिए हमें तैयार ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो रखनी है 13.5 इंच, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं 1 इंच मार्जिन का प्लस करूँगी, क्योंकि इसके नीचे मैं स्टिचिंग करूँगी, सिलाई करूँगी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का प्लस रखा है, एड किया है, ठीक है। अगर आप देखिए ब्लाउज़ के अंदर तुरपाई रखते हो तो आपको यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का ऐड करना होता है, ठीक है। तुरपाई के हिसाब से अगर ब्लाउज़ बनाते हो तो आपको 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ही मार्जिन का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी टोटल लेंथ है वो 14.5 इंच रखी है। फिर देखिए, हमें यहाँ पर शोल्डर लेने हैं, तो 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे 5.25 इंच, 5.25 इंच हमने यहाँ पे आर्मोल रखे हैं। फिर देखिए, यहाँ पे हमें चेस्ट का लेना है 4/4। तो फ्रेंड्स, आपको अगर चेस्ट का 4/4 लेना है तो यहाँ पे 36 चेस्ट साइज़ का 4/4 आएगा। 36 चेस्ट साइज़ का हमें यहाँ पे 4/4 लेना है, तो 4/4 आएगा 9 इंच। तो देखिए, ये मैंने 4/4 कैसे निकाला है। तो सबसे पहले इसको हम इंच टेप को इस तरीके से करेंगे फोल्ड, और यहाँ पे इसको करेंगे डबल फोल्ड। तो इस तरीके से हम 4/4 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4/4 ले लिया है, एंड जो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का भी लेना है। तो देखिए, मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच, और बीच में हम यहाँ पे आर्मोल की तरफ गोलाई देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे 1/2 इंच लेना है बाहर की तरफ। तो गोलाई देने का ये तरीका है, 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे और इसको हम मिलाएंगे शोल्डर से इस तरीके से, और बाहर वाली लाइन से हमें गोलाई देनी है 1 इंच की, ठीक है। आप चाहे तो 1/2 इंच की यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है। फिर हमें लेना है नीचे कमर का नाप। तो कमर है 30 इंच, तो 30 का हम यहाँ पे 4/4 निकालेंगे, तो 30 का 4/4 आएगा यहाँ पे 7.5 इंच, ठीक है। और 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। और फिर देखिए, हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाना है, और फिर देखिए हमें लेना है यहाँ पे कमर की प्लेट्स के लिए। तो 1 इंच हम यहाँ पे और कमर की प्लेट्स के लिए लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट्स में हमारी 2 प्लेट्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच और प्लेट्स के लिए लिया है, तो 1/2 इंच हमारी दोनों प्लेट्स के लिए हो गया। तो देखिए, ये जो टोटल मेज़रमेंट है वो हो गया है ब्लाउज़ का। और फिर हम यहाँ पे नेक विड्थ रखेंगे, तो नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1/2 इंच, ठीक है। और नेक की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 9 इंच, और फिर यहाँ पे हम लेंगे इसकी विड्थ, तो विड्थ इसकी मैंने रखी है 3 इंच, ठीक है। तो अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे गोलाई। देखिए, यहाँ पे भी आप 1/2 इंच की भी गोलाई दे सकते हो। तो इस तरीके से हम गोलाई देंगे यहाँ पे बैक पार्ट्स में,
तो ये हमने गोलाई दे दी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग आपको बता दी, इसका मेज़रमेंट आपको बता दिया है 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर ली है बैक पार्ट्स की। इसको ओपन करके रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब हम सेंटर्स पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए, टक्स के लिए हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग की है, ताकि आप सेंटर पे मार्किंग की हुई है और ताकि आपको पता चले कि हमारा सेंटर कहाँ है। सेंटर से अब हमें विड्थ में लेना है टक्स के लिए 4 इंच, ठीक है। और इसकी लेंथ लेंगे हम 5 इंच, टक्स की लेंथ लेंगे हम 5 इंच, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम मार्किंग करेंगे। मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है और अब हम आगे करेंगे फ्रंट पार्ट की। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए साइड से लेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। मैंने 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब मैं नीचे से लूँगी बेल्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच और साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट्स को रखेंगे इसके ऊपर और इसकी हम करेंगे एज इट इज़ मार्किंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड से 1/2 इंच ले लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए और नीचे से मैंने बेल्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसकी हम करेंगे बैक पार्ट की एज इट इज़ मार्किंग करेंगे, ठीक है। बट ये जो साइड से 1/2 इंच और नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसको छोड़ते हुए इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की एज इट इज़ मार्किंग कर ली है और नेक की मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं की है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम नेक छोटा रखेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे टक्स डालने के लिए। तो देखिए, ऊपर से मैं ले रही हूँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, और नीचे से यहाँ पे लूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना मार्जिन हमें टक्स डालने के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। और अब मैं इसको लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर दूँगी, लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और अब हम आर्म होल की तरफ गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है शोल्डर, तो शोल्डर लेंगे हम, जितने हमने बैक पार्ट में रखे थे उतने हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर लिए थे 5.5 इंच 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। आर्म होल लेंगे हम 1.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग, तो चेस्ट का चौथा भाग आया था 9 इंच और फिर 1.5 इंच हमने मार्जिन का लिया था, तो इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें यहाँ पे देनी है गोलाई। तो यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट्स में हमने इस तरीके से गोलाई दी थी, तो फ्रंट पार्ट में देखिए हमें 1/2 इंच लेना है अंदर की तरफ। बैक पार्ट में हमने बाहर की तरफ लिया था, फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ देना है गोलाई देने के लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देनी है 1.5 इंच की गोलाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम गोलाई देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है। में हमें यहाँ पे लेना है नेक विड्थ का नाप, तो नेक की विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे
देखिए जो हाई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे छोड़ते हुए हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है 2.25 इंच, और नेक की लेंथ रखेंगे हम फ्रंट पार्ट में 6 इंच। ठीक है, यहाँ से इसकी विड्थ लेनी है हमें 3 इंच। विड्थ हमें इसकी लेनी है 3 इंच, और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और 1 इंच की हम इस तरीके से गोलाई देंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 इंच की गोलाई दे दी यहाँ पे, और अब हमें यहाँ पे देखिए टक्स डालना है। अब हमें यहाँ पे टक्स डालेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लेंगे टक्स पॉइंट। तो 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से शोल्डर से लेने हैं टक्स पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 10 इंच पे मार्किंग। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आगे से मैं ले रही हूँ 4.5 इंच, और बीच में से लूँगी मैं 3.5 इंच, और पीछे की तरफ भी लूँगी 3.5 इंच। तो इस तरीके से ही हमने बेल्ट का शेप दे दिया है, और यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर की तरफ थोड़ा राउंड देते हुए इसको इस तरीके से बेल्ट के लिए मिला देंगे, और हल्का सा 1/2 इंच हमें पीछे की तरफ भी राउंड शेप देना है। ठीक है, ऊपर की तरफ करते हुए फिर देखिए हमें यहाँ पे टक्स डालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है प्लेट्स डालनी है। तो इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए मैंने इंच टेप का सेंटर किया है। तो इस प्लेट्स के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर से इंच टेप को फोल्ड किया है। ठीक है, प्लेट्स के लिए यहाँ पे इस टक्स की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 2.5 इंच, और इस प्लेट्स की मैंने लेंथ रखी है 2.5 इंच। नीचे वाली प्लेट्स के लिए मुझे यहाँ से विड्थ में लेना है 4.25 इंच। ठीक है, और इसकी लेंथ रखनी है मुझे 2 इंच, इस प्लेट्स की लेंथ रखनी है 2 इंच। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 इंच का गैप आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, और अब हमें आगे स्लीव्स की कटिंग करनी है। हम इस करेंगे स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होगा आर्म होल का नाप। तो यहाँ पे इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए इसके बैक पार्ट के आर्म होल का नाप लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट साइज़ तक हमारा आ रहा है आर्म होल 8 इंच, और टोटल जो आर्म होल है वो हमारा आ रहा है 10 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इतना कपड़ा हमारा बच गया था, तो इसमें मैंने देखिए इस ये तो ये डबल कपड़ा है, और इस तरीके से मैं इसको बीच में से फोल्ड कर रही हूँ स्लीव्स कटिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम इस स्लीव्स की लेंगे लेंथ। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ पे 5.5 इंच। ठीक है, तो स्लीव्स की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पे 5.5 इंच, और यहाँ से अब हम लेंगे आर्म होल का नाप। तो टोटल जो आर्म होल है वो आया था 10 इंच, और इसका हम बनाएंगे एक बॉक्स। बॉक्स बना लिया है, और अब हम स्लीव्स को करेंगे डाउन। तो देखिए इस ये थोड़ी बीच की मीडियम, तो देखिए थोड़ी बड़ी स्लीव्स है, तो इसको हम करेंगे, तो देखिए स्लीव्स को हम डाउन करेंगे 2.5 इंच पे। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे एक, तो लाइन ड्रॉ करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे इसको डाउन किया है मैंने 2.5 इंच पे, और अब एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स का शेप देना है। तो देखिए हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए हमने यहाँ पे स्लीव्स का शेप दिया है, और नीचे हमें लेना है स्लीव्स राउंड, तो जिसे मोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स राउंड ले रही हूँ मैं 6 इंच, और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का, क्योंकि हमने सारी जगह जो मार्जिन है वो 2 इंच ही रखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये टोटल जो स्लीव्स राउंड है वो हो गया 8 इंच, और इसको मिला देंगे हम इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मेरे स्लीव्स का शेप आ चुका है पूरा, और इसको हम करेंगे कटिंग। स्लीव्स का शेप दे दिया है, और अब हम इसको ओपन करके रखेंगे, और आर्म होल की तरफ इसके देंगे हम गोलाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम करेंगे सेंटर से मार्किंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर से मार्किंग कर लेती हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे देखिए मुझे ऊपर की तरफ से लेना है 1 इंच,
और पीछे की तरफ लेना है 2 इंच और बीच में से लेंगे 1/2 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन तीनों को मिलाएंगे हम यहाँ पे, और एक पत्ती का शेप जो होगा तो कि एक हल्की हल्की पत्ती का शेप जो हो गया है, अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो इसको हम कर लेंगे कट। मैंने स्लीव्स का शेप दे दिया और एकदम परफेक्ट कटिंग हुई इसकी आर्मोल की तरफ। ठीक है, तो अब हमें बाद में बाजू की जो कटिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो पूरी कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है स्लीव्स की भी। आपको ये मेरा वीडियो कटिंग का कैसा लगा, ब्लाउज़ कटिंग का, सिंपल ब्लाउज़ कटिंग का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो ब्लाउज़ की कि कहाँ पे, तो ब्लाउज़ की कटिंग अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट्स रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप सब लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।